So guys, good morning all. Now I am walking over the road, going to catch up my gym class. And today I can also introduce the Pozo. Pozo को आप लोगों के साथ ज़रूर मिलाएंगे. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अर्ली मॉर्निंग Pozo के साथ मीट करना. तो चलिए रहिए आज के दिन, आज के ये वाला ब्लॉग में. और आई एम गिवन दैट एश्योरेंस आई हैव डन सम अमेजिंग थिंग्स फॉर टुडेज ब्लॉग. Hi Pozo, how are you? So guys, this is one of the random vlog. This is first time I have done in my YouTube channel. 2 to 3 days ka random vlog hai. I hope you people enjoy this. Hello guys, just now I am coming from the gym. चलिए आप लोगों को कुछ दिखाते हैं. मेरे मतलब जो इंडोर प्लांट है उसमें क्या हुआ है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. चलिए सो गाइज, दिस इज अवर टूडेज ब्रंच. ब्रंच क्यों है? क्योंकि अभी हम सवेरे ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, तो एक साथ हम लोग लंच कर लेते हैं. तो लंच में हम दोनों ले रहे हैं, मम्मा बेटा मिलके ये ढोकला ले रहे हैं, ये मेरा छोले है थोड़ा सा, और इधर हम 2 pieces ऑफ दही बड़ा था. तो आई हैव टू टेक द दही इन द मॉर्निंग. सो फॉर दैट रीजन आई यूज टू टेक दैट दही फ्रॉम द दही वड़ा. एंड अभी दोपहर होने को आया है, एक ऑलरेडी बच चुका है. आई एम गोइंग फॉर टेकिंग सम मतलब मार्केट में गए थे, तो हम ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि मेरा कैमरा का बैटरी जो चार्ज है वो खत्म होने आया था. तो घर जब तक नहीं आ रहा है तो इसलिए हम ब्लॉग नहीं बना पाए. लेकिन आप लोगों के साथ हम जरूर शेयर करेंगे कि मार्केट से हम क्या क्या लाए. जैसे कि ये वाला खाना हम लाए, मम्मा बेटा अभी खा लेगा, फिर उसके बाद अगर भूख लगता है तो कुछ खाएगा. और हम आज रेड कलर का जो बाजार में साग मिलता है ना, जो क्या बोलते हैं लाल शाक बोल के बोला जाता है, तो वो आपका ऑनलाइन भी ऐसे पीस पीस करते हुए मिल जाता है. लेकिन हम बाजार में मिला तो हम लेके आए राइस के साथ, वो बहुत ही अच्छा जाता है. तो वो हम दोनों मम्मा बेटा मिलकर खाएंगे. और ये मेरा बैकग्राउंड हम बनाए थे, कल एक रील हम डाले थे, आप लोग जरूर वो रील देखिएगा. तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अबाउट द डांस. तो डांस हम बहुत ही छोटे उम्र से करते थे, लेकिन अभी भी वो चीज़ है. तो वो मतलब अपना क्वालिटी जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. अब कैसा होता है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, क्या नहीं है, जरूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग. तो चलिए मम्मा बेटा मिलके अभी आज का जो मतलब लंच कम ब्रेकफास्ट है वो कर लेते हैं. और आप लोग क्या क्या आज कर रहे हो जरूर शेयर कीजिएगा. और आप लोगों के साथ और भी एक चीज़ शेयर करना है, जो हम कुछ जिम वेयर खरीदे थे उसका भी हम रिवील करने वाले हैं. तो चलिए रहिए आज के दिन मेरे साथ. लास्ट डे बिफोर 2 days ago आई वॉज ऑर्डर्ड फ्रॉम बिग बास्केट दैट लीमंस देर हैव 2 qualities अकॉर्डिंग द प्राइस वाइज दे हैव गिवन. सो आई हैव ऑर्डर्ड के विद इन इट्स प्राइस दे हैव गिवन सच अ हाई. एंड आई थॉट के दे सपोज टू गिव दैट बिग साइज एंड क्वालिटी ऑफ लेमन आर गुड. बट ऑल दो आई हैव ऑर्डर्ड 6 lemon विद इन 56 rupees. एंड जस्ट सी द साइज ऑफ द लेमन, मीन्स हाउ पीपल आर मेकिंग फुलिश. आई रियली wondered or exclaimed, I don't know what should I say, but the thing is there, I am not, just see, this is the size, here, Fresho, they have given and this price, if here mention the price, 6 pieces of lemon, MRP per pieces, just see how much MRP they have collect, and this size they have given. इसमें से ना तो जूस आएगा अच्छा सा, ना कुछ आएगा, बेकार का हो गया मेरा ये वाला लेमन. आप लोगों के साथ अगर ऐसा होता है जरूर कमेंट कीजिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन. फीडबैक तो डाल दिए, लेकिन उससे क्या होगा, मेरा अभी का जो ऑर्डर था उसका तो पैसा गया ना मेरा. इसे क्या ही जूस निकलेगा, इसे क्या ही जूस निकलेगा. ऐसा नहीं 10 minutes डिलीवरी लिए थे, 11 hours आफ्टर, तो मुझे पैकिंग करके ये दिया गया. एंड आप लोगों को प्राइस दिखाए, जस्ट नाउ अभी हम ओपन किए इसको. So this is the reality of the life. Now we are going to sun school. तो उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं. जैसे वैसलिन ग्लूटा हुआ हम डेली यूज करते हैं, तो आज हम दिखाने वाले हैं ये पिलग्रीम का ये व्हाइट लोटस जो क्रीम है, डे क्रीम. इसमें SPF 50 दिया हुआ है. तो अभी चलिए दिखाते हैं इसका एप्लीकेशन. तो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइए. एक ही क्रीम से मेरा मॉइस्चराइजर और SPF 50 है, तो अलग से सनस्क्रीन हम नहीं लगाते. तो लेट्स स्टार्ट टू सी.
सो गाइज जस्ट नाउ वी आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल. आज बेटे के स्कूल में एडमिशन था, तो उसके एडमिशन के बाद व्हाट काइंड ऑफ हैसल, क्या बोले आप लोगों को लगेगा कि मतलब ऐसे ही बोल रहा है. एक तो है हम लोगों का जो मतलब रिजल्ट के टाइम जो स्लिप दिया जाता है उसमें जो दिया गया अमाउंट हम उसको मतलब काउंट करके मतलब गए थे प्रिपेयर होके. फिर उसके बाद हुआ उधर जाके पता चला कि और भी कितना 3-4,000 ज़्यादा लगने वाला है. तो एक तो हम पहली दफ़ा गए हमको लगा कि हाँ हम ATM से पैसा उठाएंगे और कुछ पैसा हम घर से लेके गए थे, क्योंकि ये जो सब ट्रांजेक्शन होता है स्कूल का एडमिशन बुक सेलिंग ये सब मतलब कैश में होता है. कैश में क्यों होता है, ऑनलाइन क्यों नहीं होता है, ऑनलाइन करने से रजिस्टर्ड हो जाएगा. तो पता नहीं मे बी दे हैव सम प्रॉब्लम, कोई भी स्कूल मेरे ख्याल से ये सब ट्रांजेक्शन कैश में ही कर लेते हैं, ऑनलाइन वेरी रेयर होता है, मुझे तो पता नहीं. तो खैर जो भी है, तो हम गए ATM का मतलब मेरा पासवर्ड जो है उस टाइम हम भूल गए क्या है क्या नहीं है. 2 times हम ATM का पूरा कर लिए. फिर उसके बाद कार्डलेस ट्रांजेक्शन करने का भी कोशिश किए, वो भी नहीं कर पाए. फिर उसके बाद घर आ गए, घर आके हमको लगा कि हाँ जो चलो मतलब जो पैसा हम ATM से उठाने वाले थे हम वही पैसा इधर से हम घर से लेके जा रहे हैं. तो घर से लेके गए, स्कूल गए, उधर पता चला कि मतलब 4,000 हम कम लाए हैं जो हिसाब करके लाए थे. तो फिर हम अपने बेटे को उधर खड़े करके फिर मुझे घर आना पड़ा, फिर हम घर से एक्स्ट्रा 4,000 लेके फिर गए, तब जाके लाइन और बेटे को बोले थे लाइन में खड़े होने के लिए, उसका फ्रेंड उसको बुलाए, इतना बड़ा लाइन लगता है बुक कलेक्शन के लिए, तो वो लाइन ही छोड़ दिया, छोड़ के एक चेयर में बंदा बैठा हुआ है. हम जाके कितने सबसे लास्ट में लाइन दिए. तो दिस काइंड ऑफ हैसल मतलब एज अ सिंगल पेरेंट्स मेरी तरह, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो लाइफ लेसन था वो है मुझे ठीक से हिसाब करके निकलना चाहिए था. दूसरों का बात सुन के हम थोड़ा सा मतलब चलो वो लोग बोल रहे हैं तो वही सही है, खुद को थोड़ा सा एक्चुअली हम हिसाब करके ही निकले थे, लेकिन पता नहीं उधर 2 months का मतलब ले रहे थे वो लोग. खैर जो भी है, तो इतना हैसल वैसल आज हो गया. अभी घड़ी में देखिए 2 बजने को आए, हम सोचे कि जाके हम कहीं पे मतलब रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेंगे. फिर घर में तो मेरा चावल मेरा कड़ी सब सब्जी बना हुआ है, बस थोड़ा सा साग जो आता है लेटन साग वो बना लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इतना बुक्स का इतना मतलब हेवी था उसको लेके इधर उधर घूमना तो पॉसिबल नहीं था. तो इसलिए आ गए, चलिए जल्दी से फटाफट एकदम से चट जल्दी जो रेसिपी होता है आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं. तो रहिए आज के दिन, आज मेरा हैसल वैसल डे पूरा हो गया, आज ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि पूरा प्रोडक्टिव गया, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, दैट इज़ ओके. तो खैर जो भी है, चलिए रहिए आज का हम दिखाते हैं हम क्या मतलब रेसिपी अभी करने वाले हैं. मेरा राइस और एक करी जो है हम बना के गए थे, तो वो दोनों छोड़ के और एक चीज़ बनाना है. चलिए ये एक बंच खरीदे थे बाजार से, तो 10 रुपया करके लिया था, इसी को ही अभी पकाएंगे हाथ से किए, लेकिन नीचे का इतना ज़्यादा मतलब बहुत ही इतना सा फेंक देंगे. इसमें जो पता है थोड़ा बहुत पता ले लेते हैं. तो हम जब छोटे थे मम्मी बोला करती थी कि इसमें बहुत ही ब्लड होता है, मतलब ये वाला क्या इसको बोलते हैं अभी मतलब नेम याद नहीं आ रहा है, रेड कलर का कोई साग वाग बोला जाता है लेंटल. तो इतना सा हो गया, तो इसके साथ ये भी उठा लेंगे. तो इसको भी धो लेंगे. चलिए अभी इधर कढ़ाई चढ़ा देते हैं. कढ़ाई चढ़ा दिया, तो आज मेरे पास टाइम बहुत ही कम है, तो हम इसको क्लीन कपड़ा से थोड़ा सा वाइप अप कर लेते हैं, फिर इसमें ऑयल डालने वाले हैं. बस इतना सा ऑयल में हो जाएगा ये.
इसमें बोला जाता है जो सरसों है वो मतलब काला वाला डालें, लेकिन हम मेरे पास व्हाइट कलर का भी है, अभी जल्दी में हम इतना सा सरसों डाल देते हैं। फिर इसमें हम मिर्चा डालने वाले हैं, फ्लेम थोड़ा धीमी करके इसको डालना है। फिर इसके बाद में रख के करना चाहिए, तो नमक छिड़कने से पानी अपने आप बाहर हो जाता है। ख्याल रखना पड़ेगा कि ज़्यादा नमक छिड़कना नहीं है, क्योंकि ये कम हो जाएगा तब नमक ज़्यादा लगेगा। ये सूखा मिर्चा से बहुत ही टेस्टी बनता है, मम्मी जब पकाती थी सूखा मिर्चा और काला जो सरसों होता है ना, ब्लैक कलर का जो सरसों होता है, तो वो डाल के बनाती थी, लेकिन मैं ब्लैक कलर का नहीं लिए, व्हाइट कलर का लिए। और इसके साथ ये वाला मिर्चा भी मेरे पास है, सूखा मिर्चा हम नहीं डाले, इसे पानी निकलता है। फिर थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पत्ता तो हो जाएगा लेकिन जो स्टेम है उसको होने में टाइम लगेगा, तो हम इसको थोड़ा सा 900 में करके इसको पानी डाल देंगे। बहुत ही जल्दी हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा राइस हम लोग ले सकते हैं। और रोटी के साथ लेना है तो इसमें आप सिसमी सीड का पेस्ट डाल दो, या तो फिर थोड़ा सा, ये हो जाएगा, राइस रेडी है। और एक सब्ज़ी वो गरम कर लेंगे, क्योंकि कल हम बना के ही रख दिए थे, मुझे पता था कि आज बेटे का, रुकिए, तो ये अभी हो रहा है। सो मुझे पता था कि आज बेटे का मतलब स्कूल में ऐसे है, एडमिशन है, तो इसके वजह से हम वो बना लिए थे। और बाय द वे चर्स, ये इलेक्ट्रो चॉइस एप्पल का है, एप्पलो से मतलब मुझे मिला, हम एप्पलो से बेटे के लिए एक हेल्थ ड्रिंक्स खरीदे तो इस हिसाब से मुझे मिला। ये देखिए पेपर का स्ट्रॉ है पूरा, मतलब कैसा हो जाता है, उधर मेरा वो वाला हो रहा है, इधर हो रहा है, और इधर मेरा राइस और ये सब्जी है। और देखते हैं थोड़ा सा, अगर वो क्या बोलते हैं करेला अगर हम कर लेते हैं फ्राई तो हो जाएगा अभी का खाना। तो आप लोगों का अगर ऐसा हैसल वैसल डे जाता है, आप लोग क्या करते हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इधर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे और करेला हम बनाए नहीं, क्योंकि बहुत ही लेट हो रहा था, आफ्टर 2 PM, तो हम लोगों को बहुत ही जल्दी खाना था, तो ये वाला मतलब जो साग है ये ले लिए थे, और उसके साथ जो टोफू वाला मतलब सब्जी बनाए थे वो वाला ले लेते हैं। हम लोगों को ज़्यादा चीज़ लगता नहीं है, और मेरा राइस अभी इन दिनों बहुत ही कम लेते हैं, तो हम लोग यूट्यूब देखते देखते मतलब खाना जल्दी से खा लिए थे। वो वाला बैग दो, मुझे पेपर ढूंढना है, वो बैंक का पेपर, सो जब बुक्स रखे थे वो वाला पेपर ढूंढना है। ये वाला बैग के अंदर है क्या? विंडोज क्लोज करते सो दिस इज माई नेक्स्ट डे। इधर रील बनाने के लिए ये वीडियो हो रहा था बिफोर होली, तो इसके बाद हम घर लौट आके आ गए थे। तो इधर देखिए बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है घर में, और मेरा नींबू पानी, हम सवेरे बहुत जल्दी निकल गए थे वीडियो के चक्कर में, तो अभी आके नींबू पानी लेंगे और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो रखे हैं बेटे को भी देंगे और हम भी ले लेंगे। बेटे का क्या होता है, जब हम बोल के जाते हैं बेटा ले लेना, वो खुद से लेता ही नहीं है, पता नहीं क्यों वो भूल जाते हैं या कुछ होता है। अभी हम उसका पढ़ाई चेक कर रहे थे, क्योंकि बुक्स तो मिल गया सब, और पहले से थोड़ा सा अगर पढ़ के रेडी रखेंगे तो आसान होता है स्कूल में क्लास परफॉर्मेंस जो होता है वही। तो बस यही कर रहे थे पढ़ाई के लिए। अभी बेटा मतलब क्लास में तो भर ही रहा है, तो उसको टाइम देना ही पड़ता है। और इधर देखिए जो करेला होता है, करेला का आज हम सब्जी बना रहे थे,
तो ये भी बिग बास्केट से ऑर्डर करके लेके आए थे, और छोटू सा पैन पे, सॉस पैन पे, क्योंकि बड़ा वाला कढ़ाई नहीं लिए, उसमें ऑयल बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, तो मुझे कम ऑयल में इसको फ्राई करना था। तो नमक और टर्मरिक ऐड करके हम कर लिए, और दिस इज़ द यूनिक थिंग्स, हम दो दिन ग्रेवी बना के रख दिए थे, ये ऑनियन, लहसुन, अदरक, इन सब का पेस्ट मतलब पूरा करके, इसमें टमाटर भी है, एकदम से पूरा ग्रेवी बना के रख दिए थे, और वही हम थोड़ा सा मिक्सड अप करके इसमें, आप एग भी दे सकते हो, आप पनीर भी यूज़ कर सकते हो, आप फिश भी यूज़ कर सकते हो, आप अगर मीट भी यूज़ करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक ही ग्रेवी बना के आप हर किसी मतलब सब्जी में यूज़ कर सकते हो। तो दो दिन हम वही बना के टेस्ट कर रहे थे कि कैसा होगा, अच्छा ही हुआ। आप लोग भी ये वाला ट्रिक्स मतलब अप्लाई कर सकते हो अपना डेली जो बिजी शेड्यूल है उसके अंदर। तो इधर देखिए, बाज़ार से हम ये मसाला टोफू जो बोला जाता है वो खरीदे थे, और इसमें मतलब थोड़ा सा मसाला रहता है, थोड़ा सा स्पाइसी बोला जाता है, लेकिन स्पाइसी रहता नहीं है, बस इसको हम कटिंग करके इसमें दे देंगे, इसको अलग से फ्राई नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फ्राई करेंगे तो टोफू का जो भी मतलब अंदर है, जो हेल्दी जो मतलब इंग्रेडिएंट्स है वो ख़राब हो जाता है, तो इसके वजह से बस ऐसे ही ग्रेवी में डाल के टोफू का जो है वो बना लिए। वैसे आप लोग ऐसे ही मतलब बिना ग्रेवी का खा सकते हो, लेकिन मुझे मम्मा बेटा के लिए मतलब राइस के साथ लेना था, तो इसलिए हम थोड़ा सा ग्रेवी देके बना दिए। तो ये वाला रेसिपी कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग भी इस मतलब ऐसे करते हो कि नहीं वो भी बताइएगा। ये मतलब जो ग्रेवी है ऑयल दे के पूरा एकदम से मस्त गरम मसाला इसमें डाल के पूरा एकदम से मस्त करके बना के रखे थे, तो वही निकल के, वैसे समर सीजन में ज़्यादा दिन आप नहीं रख पाओगे, अगर वो आप डीप फ्रीज में रखते हो तो ही आप 5 days रख पाओगे, या तो फिर 2 to 3 days इज़ इनफ फॉर दैट। तो इधर हम वही पकाने के साथ साथ अभी हम वॉइस ओवर दे रहे हैं, तो ये वाला सब्ज़ी मेरा रेडी हो गया। एक्चुअली अभी नाउ आई जस्ट पुटिंग वैसलीन लूटा हुआ, जल्दी से हम रेडी हो रहे हैं, जो इनविटेशन हम शेयर किए थे व्लॉग में कि मुझे जाना है, तो वो इनविटेशन के लिए नाउ आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ। तो मुझे लगा था कि व्हाइट कलर का पहन के जाएंगे, व्हाइट कलर का कुर्ता एंड कमीज, तो जल्दी से हम रेडी हो रहे हैं। अभी मुझे चाहिए, पहले तो हम ये वाला प्राइमर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो आपका ग्लॉसी वाला होता है वो वाला लगा लेंगे। Thank you.
सो गाइस इवनिंग में बहुत ज़्यादा मस्ती किए, ये पूरा रंगोली सजाया हुआ था, ये देखिए उर्ली बोला जाता है इसको, और इसमें ठंडाई अभी परोस रहे हैं, सर्विंग हो रहा है ठंडाई का। खाने का अरेंजमेंट एकदम बिल्कुल होली का जैसे ही था, इसमें भान नहीं था फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग सब मतलब फ्रेंड लोग थे, बच्चे लोग थे, सो वी मे नॉट अप्लाई एनी अल्कोहल और एनी भान टाइप ऑफ थिंग्स, बट ठंडाई था। इधर स्नैक्स का अरेंजमेंट भी था, और फिर हम लोग प्रॉप्स भी यूज़ किए थे। तो हम घूम घूम के पूरा मतलब जो टूर होता है रूम का बोलिए, मेरे फ्रेंड के घर में हम लोग गए थे, तो वही हम ले रहे थे। गम में सोए हैं, गम में जागे, अब ये गम मुझे अब न सा लागे, यादों के धागे, यादों के धागे, देखे माँ। Happy Holi in advance. Wish you all happy Holi in advance. Love you all. यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स ऑल द सोशल मीडिया, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो चुका है कि इंसान रील बनाने में बहुत ही बिजी रहता है, शॉर्ट्स बनाने में बिजी रहता है, और हम लोग मतलब जो भी है एक फेस्टिव का जो अरेंजमेंट रहता है हम लोग बहुत ही मज़े से करते हैं, क्योंकि हम लोगों का वीडियो होगा पूरा सोशल मीडिया पे मतलब देना है। पहले वाला जो था हर एक चीज में एक रफनेस था, मतलब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बैक टू द कैमरा बहुत कुछ होता है, तो अभी वो चीज बहुत कम हो गया। मतलब सोशल जो एस्पेक्ट है देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ। इसके वजह से बहुत कोई बोलते हैं कि सोशल मीडिया का अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है, अच्छा से यूटिलाइज करने से अच्छा यूटिलाइज होता है। तो जरूर रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल, बाय।